Why do the walls of trachea do not collapse even when there is less air in it? Important question. बहुत पूछा जाता है. देखो ट्रैकिया क्या था? विंड पाइप. कैसे बना था? सॉफ्ट बोन्स यानी कि कार्टिलेज का बना था. सी शेप्ड होती हैं, तो सी शेप होती है ना, तो उनका क्या होता है, प्रेशर झेलने की कैपेसिटी क्या तो बढ़ जाती है. ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन वेन देर इज लेस एयर इन इट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज. इतना ही सफिशियंट है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वियोला. ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने एक एल्वियोलाई का डायग्राम बनाया, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, बट एल्वियोलाई इस तरह का ही होता है. ठीक है, बबल शेप होता है, ये हम क्या बैलून शेप. ठीक है, अब एयर सैक भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि गुब्बारा एयर का बैग जैसा है. अब इसके अंदर ना यहाँ से ब्रोंकियोल से ना एयर आएगी, एयर होगी इसके अंदर. एयर का कंपोजिशन वही होगा जो आउटसाइड द आउटसाइड एटमोसफेयर एटमोसफेयर में जो है वही होगा. ये क्या होगी, एक लेयर होगी किसी क्विक फ्लूड की. इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. यहाँ बाहर क्या होगी, इपिथीलियल सेल होगी. ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है. इसमें लाल लाल ब्लड है, ये है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी. इस ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें हाई कंसंट्रेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कहाँ से आ रही है, सेल से. अगर सेल से आ रहा है ब्लड तो क्या होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन तो होगी नहीं, बहुत कम होगी. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ यूज़ होगी ना सेल में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बच जाती है, बहुत कम होगी. ये जो एल्वियोलाई है इसके अंदर क्या होगी, एयर होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सारी गैसें. अगर हम बात करें केवल ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या कम है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या लो, तो हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है एल्वियोलाई के अंदर, यहाँ क्या होगी, लो कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन हाई से लो की तरफ आ जाएगी इधर. तो एल्वियोलाइज में क्या होगा, ऑक्सीजन तो ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, एल्वियोलाइज में. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज. एल्वियोलाई आर ऑल्सो कॉल्ड एयर सैक. एयर इज इन एल्वियोलाई हैज सेम कंपोजिशन एज दैट इन एटमोसफियर. ठीक है, वही कंपोजिशन होता है जो एटमोसफियर में होता है. कंसंट्रेशन ऑफ एयर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन एयर, इन एयर. ये अगर हम एल्वियोलाई के अंदर की बात करें और ये ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या लो, तो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, यानी कि एल्वियोलाई से कहाँ चला गया, ब्लड में. ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन ब्लड कैपिलरीज, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ एल्वियोलाई में क्या कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की लो, तो बाहर आ गई. एक और गैस होती है जिसे हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब कर सकता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड. जनरली जो है एयर में प्रेजेंट नहीं होती है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो तो मैं ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पे ना कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो, तो वहां पे क्या होता है, वो हमारे एयर के साथ अंदर आ जाती है, तो वो भी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, वैसे जनरली ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, लेकिन अगर जहाँ पे तुम खड़े हो, जहाँ से तुम ब्रीथ कर रहे हो, जहाँ जिस एयर में तुम हो, उस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ब्लड में चली जाती है, इससे नुकसान होता है. आगे देखेंगे क्या नुकसान होता है. एक चीज़ और बताता हूँ, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हम लोग डाइविंग करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, अब हमने क्या कहा, कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, नहीं, ऐसा नहीं होता. उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है उतने ही कंपोजिशन में जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, बस वो एक प्रेशर से जाती है. ठीक है, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, उन ऑक्सीजन सिलेंडर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, उन ऑक्सीजन सिलेंडर में भी एयर प्रेजेंट होती है, वही कंपोजिशन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि हमारी जो लंग्स है, हमारे लंग्स इस तरह से डिज़ाइन है कि जो कंसंट्रेशन एयर में गैसेस की है, उसी कंसंट्रेशन में से, उसी कंपोजिशन में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सकती है या रिलीज हो सकती है. अगर उस फिगर को चेंज कर दिया जाए, उस कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, उस कंपोजिशन को चेंज कर दिया जाए, तो हमारे लंग्स, ठीक है, ये ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर किसी बड़े से ही पूछोगे ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या होता है, तो पता है क्या कहेगा, हर कोई यही कहेगा ऑक्सीजन होती है. केवल वही बता सकता है जिसने ये चीज़ पढ़ रखी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर केवल एयर होती है.